हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता अर्थात काम को करने वाला। वाक्य में जो व्यक्ति काम को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि ये जो सब्जेक्ट होता है उसका स्थान कहाँ पे होता है, वाक्य के प्रारंभ में। अर्थात जो सेंटेंस लिखा है उसमें जो शब्द सबसे पहले आता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। ये जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये तीन चीज़ों में से कोई एक हो सकता है। ये सब्जेक्ट में या तो नाउन आ सकता है, या फिर कोई प्रोनाउन आ सकता है, या फिर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर नाउन आ रहा है, नाउन अर्थात कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु या फिर कोई स्थान या फिर कोई गुण या फिर कोई भावना, इनमें से कोई नाउन हो सकता है। फ्रेंड्स, नाउन के बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, नाउन अगर आ रहा है तो नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। जब भी कोई नाउन आएगा तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या फिर सिंगुलर या फिर प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से अधिक। सिंगुलर में जैसे डॉग, डॉग मतलब होता है कुत्ता, तो यहाँ पे हम एक कुत्ते की बात कर रहे हैं। जैसे बॉय, बॉय मतलब लड़का, ये यहाँ पे एक बॉय की बात हो रही है, अर्थात एक लड़की की बात हो रही है। बुक मतलब किताब, एक किताब की बात हो रही है। इसी तरह प्लूरल में डॉग्स हो जाएगा, डॉग्स मतलब कुत्ते, कुत्ते मतलब एक से अधिक। बॉयज़ मतलब लड़के, लड़के मतलब एक से अधिक लड़के। बुक्स मतलब किताबें, किताबें मतलब एक से अधिक किताबों की बात हो रही है यहाँ पे। फ्रेंड्स, सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, नाउन के बारे में हम जान चुके हैं कि अगर नाउन आएगा तो सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल भी हो सकता है। अब आ जाते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? प्रो का मतलब होता है के स्थान पर, और नाउन मतलब संज्ञा, मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है वही प्रोनाउन कहलाता है। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट में कुछ प्रोनाउंस होते हैं, अर्थात कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन हैं जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है आई। आई मतलब होता है मैं या मैंने। दूसरा होता है वी। वी मतलब हम या हमने। यू, यू मतलब तुम, तुमने, आप, आपने। दे, दे अर्थात वे या उन्होंने। नेक्स्ट प्रोनाउन है ही। ही मीन्स होता है वह या फिर उसने। ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा वह मेरा भाई है, अर्थात हमने यहाँ पे भाई की बात की, इसलिए वह के लिए ही लगाया जाएगा। जैसे कहा गया वह मेरी बहन है, तो यहाँ पे वह बहन को बोला जा रहा है, बहन अर्थात किसी स्त्री को बोला जा रहा है, इसलिए वह के लिए यहाँ पे सी लगाया जाएगा। जैसे कहा गया यह मेरा कुत्ता है, तो यहाँ पे कुत्ते की बात हो रही है, यह कुत्ते को बोला जा रहा है, इसलिए इट लगाया जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, और उसके बाद वाली वीडियो में हम पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद वाली वीडियो में हम नाउन के बारे में डिटेल में समझेंगे, उसके बाद में फिर सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, हम हर एक टॉपिक को सीरियल वाइज लेके चल रहे हैं और हर एक चीज़ को सीरियल वाइज बताएंगे, इसके बाद फिर हम ट्रांसलेशन पे आ जाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।